चक्रवात रेमल की वजह से पूर्व उत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में तबाही जैसा मंजर नजर आ रहा है। मणिपुर के इम्फॉल घाटी में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इम्फॉल नदी के उफान पर होने से कई इलाकों में पानी भर गया और सड़कों घरों में भी पानी घुस गया। इसके बाद इलाकों के लोगों ने कम्युनिटी हॉल में शरण ली। अधिकारियों ने आगे बताया कि नंबुल नदी में उफान होने के कारण इम्फॉल पश्चिम जिले में कम से कम 86 इलाकों में बाढ़ की खबर है। लगातार बारिश के कारण इलाकों के पास इम्फॉल नदी का किनारा टूट गया है और कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे सड़कों पर भी जल भराव हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए NDRF की एक टीम रात करीब 10 बजे एयरपोर्ट की स्पेशल फ्लाइट से इम्फॉल पहुंची। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, कई इलाकों में नदी के किनारे के बांध टूटने के कारण नागरिक और पशु प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार के अधिकारियों, सुरक्षा और NDRF कर्मियों और स्थानीय स्वयंसेवकों सहित सभी संबंधित अधिकारी प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों को नावों से सुरक्षित क्षेत्रों में पहुँचाया जा रहा है। इस बीच अधिकारी ने बताया कि इम्फॉल और सिलचर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 37 पर स्थित इरांग बेली पुल ढह गया, जिससे सड़क संपर्क भी टूट गया। एजेंसी के मुताबिक चक्रवात रेमल की वजह से पूर्व उत्तर के लगभग सभी राज्य प्रभावित हुए हैं। इससे पूर्व उत्तर के सभी 8 राज्यों में सड़कों और रेल कम्युनिकेशन पर भी प्रभाव पड़ा है। 4 राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से 48 नागरिकों की मौत हुई है। मिजोरम में 29, नागालैंड में 4, असम में 3, मेघालय में 2 नागरिकों की मौत की खबर है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान की भरपाई एवं राहत कार्य के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को मदद देने का भी भरोसा दिलाया है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। चलते चलते एक जरूरी जानकारी, आपको न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल पर एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। इस बटन पर क्लिक करके आप चैनल की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। बटन पर क्लिक करके आपको इसके बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन।